गाइस मिलिए कूली नंबर वन से। इतना लंबा जाम था कि सीतो को भी नींद आ गई। तो अब हम भानी के छोटे से सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं। बॉन्जोर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में ना ही हम हल्द्वानी जा रहे हैं, ना ही हम रोजाना वाले भीमताल जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं रुद्रपुर, क्योंकि आज है मेरी छोटी बहन का हैप्पी बर्थडे, तो हम उसको सरप्राइज देने वाले हैं। उसको ये तो पता है कि हम आ रहे हैं, पर उसको ये नहीं पता कि हमने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा है। अब वो क्या सरप्राइज है वो आपको व्लॉग के आगे पता चलेगा। यहाँ पे आई मास्क और चार्जर वगैरह सब रख लिया है, और एज यूजुअल मम्मी अभी तैयार नहीं हुई है, पता नहीं कितना टाइम देंगी। बहुत हम बलून्स भी रख देंगे अभी डेकोरेशन वगैरह के लिए। पम रखा आपने? हाँ, ठीक हो गया, पम रख लिया है, कपड़े वगैरह सब रख दिए ना। गाइस मिलिए कूली नंबर वन से। स्कूबी हम जा रहे हैं बेटा, बब्बल बाय बाय। ये नाराज हो जाती है हम जब भी कहीं जाते हैं। हम जा रहे हैं, देख हमने सामान ले लिया है। ये है भानी का गिफ्ट, ये भी एक ही गिफ्ट है, बाकी गिफ्ट मम्मी ला रही हैं अभी। मम्मा जल्दी से गिफ्ट लाओ। ये इतने सारे गिफ्ट हैं, सारे भानी के नहीं है, उसमें से तीन काना के भी हैं। मुझे रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है बहुत। कौन सी लेने की सोच रहे हो? मैं तो आपको पता है मैं मिठाई उतनी खाती नहीं हूँ, तो जो आपको सही लगे आप वाली ले लो। ये हैं छोटे वाले रसगुल्ले। हमने मिठाई ले ली है, और मिठाई में हमने लिए हैं छोटे वाले रसगुल्ले, कलाकंद, और कौन सी ली थी, एक मिक्स ली है, और दो स्प्राइट ली थी। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी गाड़ी स्वर्ग के बीच में से चल रही है। पिछले ब्लॉग में बताया था मैंने। यही बोला था सेम। और आज भी फिर आ रहे, फिर वैसे ही पूरा मौसम इतना प्यारा सा है, लेकिन पिछली बार बारिश मिली थी, आज कोहरा ही कोहरा है। मौसम ऐसा हो रहा है, दूर दूर तक कुछ ही दिख रहा है, पूरा हर जगह कोहरा ही कोहरा हो रहा है। क्या मम्मी, आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, सामने की गाड़ियां दिख रही हैं। और क्या दिख रहा है? पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बट लेकिन ऐसा लग रहा है ना जैसे बादल नीचे आ गए हैं और हम स्वर्ग के बीच में से चल रहे हैं। अरे कितनी बार बोलोगे मम्मी, बार बार मन में बॉटल फेंकने जा रही थी, मुझे याद आया। हाँ, अब बॉटल फेंकने वाली थी, ऐसी रानीबाग में इतना लंबा जाम मिला है हमको। आज पहली बार पुल बनने के बाद से पहली बार इतना लंबा जाम देख रही हूँ मैं यहाँ। आधा घंटा लग गया है रानीबाग क्रॉस करने में हमको। इतना लंबा जाम था कि सीतो को भी नींद आ गई। तो मम्मी ने मुझे नींद से जगा दिया, और जाम बहुत ज्यादा लंबा लगा हुआ है, पीछे तक जाम ही जाम है। लेट पहुंचेंगे मुझे लग रहा है। अब आप भी सो जाओ थोड़ी देर। तो जाम का रीजन ये है कि दोनों साइड से ही गाड़ी आने में, इस साइड से भी आ रही है, उस साइड से भी जा रही है, तो इस वजह से वो पहले एक साइड पे हो गए, फिर दूसरी साइड के लाइन दे रहे हैं, इस वजह से जाम लगा है। गाड़ी एकदम ऐसी जगह होती है जहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। अब हम जा रहे हैं घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए। मम्मी ज्यादा खुश होंगी। हाँ, फिर मेरे सर का मेरे सामान वामान ले दीजिए। वो भी देना है आपको, चॉपिंग बोर्ड कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? चॉपर हो गया ना, चॉपर। पानी की बोतलें, ठीक है। आप एक ऐसी चीज़ ले रही जो हम कितनी बार भी ले जा रहे हैं, सेट खराब होना ही है। क्या करें, इससे बड़ा भी है ये तो घर पे ले जाते हैं छोटा वाला। हाँ, हम भी चाहिए था ना। मम्मी नाइफ इस नाइफ से क्या काट हो गया, इतने बड़े नाइफ से।
मैंने इतना बड़ा नाइफ पहली बार देखा। थोड़ा वाला पैन हो ना तो थोड़ा सा गहरा भी होता है वो फ्राई पैन ना। हाँ फ्राई पैन है लिड वाला देना। मतलब फ्राई पैन मेरा सबसे ज्यादा मैगी बनाने के सही रहता है। दोनों चीज़ सही रहेंगी उसमें ना ऑमलेट भी ये रहने देती फिर वही। हाँ नहीं तो इसमें तो हमारे पास एक मैगी बन पाएगी मम्मी। हम तीन तीन मैगी खाने वाले इसमें बस एक मैगी बनेगी। पापा वहाँ पे वेट करते हैं। पापा को हो रही है इनका काम जल्दी नहीं। क्या आपको लगता है पापा ऐसे सोच रहे होंगे? हाँ पापा ऐसे ही सोचते हैं। सही तो है हमारी फैमिली के। प्लेन वाला भी है फ्राई पैन भी और ये भी है सही है। तो मम्मी कह रही है कि एक राउंड पूरा मार के आते हैं पीछे से पर यहाँ सब बंद है। सब बंद है यहाँ पे। जाओ मम्मी वहाँ से उड़ के जाओ। सारा सामान है यहाँ पे। यहाँ पे हम हाइड एंड सीक आराम से खेल सकते हैं और कोई पकड़ा भी नहीं जाएगा। चेयर भी तुम यहीं से ले गए थे? हाँ हमारे मैच में चेयर को सभी हम यहाँ से ले गए। जब मैंने मम्मी की लिस्ट देखी थी उसमें सिर्फ 6-7 सामान था। और यहाँ पे देखिए कितना आइटम है यहाँ पे। मम्मी दिखाओ दिखाओ दिखाओ। 12 आइटम ले लिए मम्मी ने। ये देखिए मेरी मम्मी का जादू। आपको बताओ मम्मी वहाँ पे क्या लिखा था? उधार एक जादू है हम देंगे और अब गायब हो जाएंगे। कितना सही लिखा था ना। तो अब हम भानी के छोटे से सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं। हमें यहाँ पे बलून फुलाने बहुत सारे और पूरी कार बलून से भर देंगे। बहुत मेहनत लगने वाली है इसमें। आप भी बुलाओ थोड़े से मेरे को। हम ना शीशा बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर में। हाँ। बाहर उड़ जाएगा सब। और बहुत ज्यादा बड़े मक्खने से फूटते रहे यहाँ पे। बहुत बड़े मक्खने नॉर्मल साइज रखना। हाँ ठीक हो गया इतना सही है। हाँ पे गार्ड बांधने का काम मम्मी का है। ये देखिए मैं गुब्बारे वाली हूँ ये बलून इतने बनवाश है उड़ने में है। देखो 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 देखो। अरे 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 पीछे चला गया। गाइस इन पे जितने बलून आ रहे हैं सब फुस निकल रहे हैं। लो ये भी ट्राई कर लो। कितने फुस निकल गए अभी तक? 3 इतने ही और हैं। अभी है थोड़ा और पैकेट में। ये सही है। हम लोग ने मतलब हम लोग जब ये वाइट रोड में एंटर कर रहे थे तो हमने नानी को कॉल करके बोल दिया था कि भानी को अंदर ही रखना बाहर मत आने ना। फिर नानी ने बताया कि भानी घर में ही है तो अब हमें उसका वेट करना पड़ेगा। वो डांस प्रैक्टिस के गई है पीछे कुछ जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ था उसके लिए। तो अब वेट करने के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। बस अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जब आए तो उसकी नज़र कार में ना पड़े वरना सारी सरप्राइज ही बैंड बज जानी है। दीदी को पहला है, दीदी को भी नहीं करा। दीदी है यार। अरे अरे गाना पहला कौन गाएगा? पहला बूबा जी। पहला वो मैं सोच रही हूँ दूर से कौन सा बच्चा भागते हुए आ रहे मेरे पास। चला आ जाओ चले आएंगे यार। अच्छा एक ऐसे करना एक मिनट ऐसे खड़े करना ठीक है ऐसे खड़े रहना एकदम जल्दी करो मम्मी। चलो अब तुम यहाँ पे गाड़ी में बैठ जाओ फिर तुम अपने गेस्ट को लोगे। अपना पहला गिफ्ट खोलो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। खोलो भाई खोलना खोलना तू भी खोल बोलो। खोल दो भी डॉल भी यहाँ बिठा दो।
नहीं काना तेरा गिफ्ट, हाँ तेरा गिफ्ट वाला है, तू अपना गिफ्ट भी खोला, काना के भी खोल दे। इसमें क्या रखा है? ये क्या है? खोल खोल खोल, घड़ी। हाँ ये मैंने गिफ्ट किया है। अब वो दरवाजा खोल दे, मैं ऐसे ही गिफ्ट देती हूँ, यादगार एकदम। दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, वहाँ से भी गर्मी हो रही है। सीतू दीदी का गिफ्ट, ठीक है? और ये लेके दिखाओ, काना अपना दिखाओ, काना अपना दिखाओ। मुझे खुलता नहीं है। अरे क्ले मिल गया ना बस। इसमें बिट्टू दी का गिफ्ट। हाँ ये बिट्टू दी का गिफ्ट है, बहुत टाइट कर रखा है। इसमें क्या है काना का? स्लाइम। आहा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन बोलेगा? काना का एक गिफ्ट और होगा यार, टॉफी जैसा कहीं पे। हाँ एक उस साइड होगा। अब वाला है, एक और है शायद। दादी मुझे, मम्मी मुझे ये के लिए मिला, स्लाइम मिली। एक काना का भी है इसमें। एक छोटा सा गिफ्ट और है। कपड़े नहीं है, चादर है। नहीं चादर भी नहीं है। तो क्या है? ये क्विल्ट है, ओढ़ने वाली है। दीदी लोगों के लिए भी लाए थे, मैं तेले भी लाई। चलो ओके, हैप्पी बर्थडे। बढ़िया हुआ, हैप्पी बर्थडे। सीतू मम्मी ये देखो, ये है शायद गिफ्ट, ये नीचे गिर गया गुब्बारों के साथ, उसमें है शायद। है काना, ये है काना, वो काना, काना ये है यार। इनको तो यहाँ रख देना। इसको ये पानी में डालेगा ना, ये बॉल बड़ी हो जाएंगी। काना के लिए भी लाओगे? हाँ उसको भी सरप्राइज देंगे, उसका बर्थडे आएगा ना, उसको भी सरप्राइज देंगे हम। ठीक है काना। अरे तुम नहीं आओगे, बॉरिंग जाएगा, बॉरिंग नहीं। इसकी चटनियाँ डाली ना, चटनियाँ डाली। बिट्टू दीदी, सीता दीदी, बुआ जी, थैंक यू। So guys, that's it for today's video. ये है हमारी बर्थडे गर्ल, आप लोग भी इसे विश कर दें कमेंट सेक्शन में। और पीछे से हल्ला रहा हो थोड़ा बहुत, उसको इग्नोर करिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।